की सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ आज जो है क्या है? दो बहनें आज। हाँ, दो भतीजी नहीं, आज दो बहनें हैं। बुआ भतीजी की तो जोड़ी हमेशा से रहती है। बहनों की भी बातें कभी कभी करनी चाहिए। वैसे हमारी बहनें बहुत सारी बातें कर रही हैं दो बहनों के बारे में। बहुत सारी बातें कर रही हैं और हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि एक तरीके से ये साहित्य की क्षुधा मिटाने जैसा है कथा सुधा सुनना, तो इसीलिए तो लेकर हाजिर है। सोमवार का दिन है, कथा सुधा में दो बहने, इसका तीसरा भाग सुनेंगे ना। हाँ, आज तीसरा भाग सुनेंगे और आज हम बात करेंगे अवसाद मुक्त होने की बात। हाँ, जो क्रिया है उसके मतलब आज हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका। प्रैक्टिकल का मतलब ये हुआ कि पहले तो देखो ये बता दें कि जो दिवस है जीवन से प्यार, ये है अनमोल उपहार। वो हम क्यों कर रहे हैं इस विषय पर चर्चा, ये पता तो चल जाएगा आपको जब हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद जब जीवन से हम निराश होते हैं तो सारे उपायों के बाद भी कहीं कुछ हाथ नहीं लगता है सफलता, तो एक जो व्यवहारिक तरीके से जो हम करेंगे, यानी कि हम जो तुमने जैसे कहा प्रैक्टिकल करेंगे, तो एक प्रक्रिया है, उसके निर्देश देंगे, उसके हिसाब से करना रहेगा। तो ये हम करीब 3:30 बजे के पहले कर लेंगे। हाँ, कर सकते हो, नहीं तो कथा सुधा के बाद भी। ये तो निर्भर करता है कि कैसी कैसी आप बातें करते हो, कितने आप शामिल होते हैं। बहरहाल हमारे साथी तो तैयार होंगे ना। हाँ, तो नहीं, इसके लिए हम ये बता रहे हैं कि जब हम लोग इस विषय पर बात करेंगे तो उसके बाद आप बहुत रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा और व्यावहारिक रूप से जहां भी होंगे आराम की स्थिति में बैठ जाइएगा। लेकिन अभी हम नहीं बैठने देंगे क्योंकि कोमल भावनाओं की चितेरी महादेवी वर्मा जी की आज पुण्यतिथि है, उन्हें हम याद कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और जैसा कि हमारे साथियों ने लिखा भी है ना कि छायावादी लेखन शैली अनुपम थी उनकी और उनकी कहानियां कविताएं दोनों ही उत्कृष्ट होती थी। और गिलहरी के ऊपर गिल्लू नाम की कहानी का इन्होंने जिक्र किया है जो कि इनके पाठ्यक्रम में थी। और कविताएं भी याद रह गई, सुंदरी तेरा घन केश पाश थी एक कविता जिसमें पृथ्वी को सुंदरी और उस पर छाए बादलों को घन को उसके केश कहे गए। जी हाँ, ऐसे ही कुछ पंक्तियां भी साझा की हैं। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह, रहने दो देव ये मेरे मिटने का अधिकार। बहुत सुंदर कविता है ये। तो और भी कोई कविता आपको याद आ रही हो, अगर आपने पढ़ी हो, पाठ्यक्रम में पढ़ी हो, या ऐसे ही शौकीन हो और कविताएं पढ़ते हो और आपने पढ़ी हो, कोई कविता याद रह गई हो तो हमें जरूर बताएं उस कविता के बारे में भी। चलो, हमें लगा कि तुम हमसे पूछ रही हो। बुआ को तो बहुत सारी याद होंगी। आज हम अभी इन सब बातों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बुआ भाई गाने के बिना तो बिल्कुल चलता नहीं। पता चल रहा है तुम्हारे चेहरे से, बिल्कुल ऐसे लालच आ रही है। तो वो सुन लेते हैं ये गीत पहले। बावरा पंछी क्यों बार बार डोले,
बार बार डोले। बुआ बावरा पंछी जब मन का बोलता है जी। तो कई बार तो मतलब ऐसा होता है कि बोल के ही रह जाता है, और कुछ लोगों का जब बोलता है बावरा पंछी तो वो कैसे सुंदर सुंदर गीत रच लेता है, जैसे गीत रचता है, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं, उतनी सुंदर सुंदर क्या कहना चाहिए, संस्मरण हो चाहे रेखा चित्र हो, जिसको कि हम आज भी याद कर रहे हैं। बिल्कुल है ना। तो हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी की, हमारे साथी समझ गए होंगे जरूर। और हमारे कुछ साथियों ने इस बारे में लिखा भी है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि बचपन में एक कृति, एक दो कृति कॉलेज में पढ़ने का सौभाग्य मिला, घटनाओं का सजीव चित्रण उन जैसी साहित्यकार के ही बस की बात थी। रेखा चित्र या रिपोर्टाज विधा की श्रेष्ठ कलमकार थी वो। छायावाद का उल्लेख भी उनके बिना अधूरा ही माना जाएगा। अधिकांश समकालीन लेखकों की तरह उनकी कृतियों में भी समाजवादी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। बिल्कुल। और इन्होंने साहित्यिक योगदान के लिए उनको हमेशा याद किए जाते रहने की बात की है। ऐसे ही हमारे साथियों ने इनके जन्म की बात की है कि 26 मार्च 1907 और 11 सितंबर 1987 तक इनका जो जीवन काल है, और हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और एक साथी ने एक कविता भी हमारे साथ साझा की है। प्राण रम पतझार सजनी, सांध गीत प्राण रमा, पतझार सजनी अब नयन बसी बरसातरी, चिर सजग आंखें उनींदी, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। क्या बात है। और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, जो न प्रिय पहचान पाती, जो न प्रिय पहचान पाती। कई सारे गीतों का इन्होंने शायद ये गाती होंगी, ये सभी गीत महादेवी वर्मा जी के बहुत सारे गीत लोगों ने गाए हैं, तो बकायदा इन्होंने उन सभी का जिक्र किया है। और बुआ आज हम जब कहानी कथा सुधा में सुनेंगे, प्रेमचंद जी की कहानी है दो बहनें, तब याद आता है जो महादेवी जी ने जो उनका संस्मरण साझा किया है। तो कहती है, क्या कहती है, उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा है कि ये जो मतलब उनका जो पहली मुलाकात हुई थी, तो लिखा है कि प्रेमचंद जी से मेरा प्रथम परिचय पत्र के द्वारा हुआ। तब मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी। मेरी दीपक शीर्षक एक कविता संभवतः चांद में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी ने तुरंत मुझे कुछ पंक्तियों में अपना आशीर्वाद भेजा। तब मुझे ये ज्ञात नहीं था कि कहानी और उपन्यास लिखने वाले कविता भी पढ़ते हैं। मेरे लिए ऐसे ख्यातनामा कथाकार का पत्र, जो मेरी कविता की विशेषता व्यक्त करता था, मुझे आशीर्वाद देता था, बधाई देता था, बहुत दिनों तक मेरे कौतूहल मिश्रित गर्व का कारण बना रहा। क्या बात है। और आगे वो लिखती हैं कि उनका प्रत्यक्ष दर्शन तो विद्यापीठ आने के उपरांत हुआ, उसकी भी एक कहानी है। एक दोपहर को जब प्रेमचंद जी उपस्थित हुए, तो मेरी भक्तिन ने उनकी वेशभूषा से उन्हें भी अपने ही समान ग्रामीण या ग्राम निवासी समझा, और सगर्व उन्हें सूचना दी, गुरु जी काम कर रही हैं। प्रेमचंद जी ने अपने अट्टहास के साथ उत्तर दिया, तुम तो खाली हो, घड़ी दो घड़ी बैठ कर बात करो। और तब जब कुछ समय के उपरांत मैं किसी कार्यवश बाहर आई, तो देखा नीम के नीचे एक चौपाल बन गई है। विद्यापीठ के चपरासी, चौकीदार भक्तिन के नेतृत्व में उनके चारों ओर बैठे हैं और लोक चर्चा आरंभ है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व में एक सहज संवेदना और ऐसी आत्मीयता थी जो प्रत्येक साहित्यकार का उत्तराधिकार होने पर भी उसे प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से बात लिखी है, और एक सबक है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और भक्तिन की जो इन्होंने बात की है, तो भक्तिन पर इन्होंने जो एक अपना संस्मरण लिखा था वो भी काफी अच्छा था, जो इनके साथ हमेशा रहती थी, इनके सभी काम करती थी भक्तिन, और इनके ऊपर बाकायदा अपना अधिकार इतना ज्यादा समझती थी कि हुक्म सा देती थी इनको, और ये बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह उनका हुक्म मानती थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं महादेवी जी से जुड़ी हुई जो की याद आती हैं, और हमारे साथी भी याद करते चल रहे हैं उन गीतों को, उन कविताओं को। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये कितनी ज्यादा मतलब प्रसिद्ध भी है और बहुत ही संवेदनशील है। और
इस बारे में हम लोग और भी बात करते रहें, लेकिन मेरा मन ये कह रहा है कि एक गाना सुन लिया जाए। सुनते हैं, लेकिन हमारे एक साथी ने बाकी सब जो बातें हो चुकी हैं उनको लिखने के साथ साथ ये भी लिखा है कि कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। अब निराला की बात चली है, वो तो याद नहीं आता। निराला जी उनको बहन कहते थे और बिल्कुल ऐसा मतलब इस तरह की बॉन्डिंग थी उन दोनों के बीच में कि बिल्कुल एक दूसरे को बिना व्यक्त किए समझ जाना। और एक संस्मरण में मैंने कहीं पढ़ा था कि निराला जी ने उनसे कहा कि क्योंकि वो बहुत खर्चीले थे तो उन्होंने कहा कि चलो भाई अब तुम मेरा खर्च सारा हिसाब किताब बनाओ। तो माँ देवी जी ने बड़ा जतन से उनका सारा कि ये आए है और ये व्यय होगा उसमें सब उन्होंने निकाला। उतनी देर में कोई आ गया जिसे रुपयों की आवश्यकता थी और निराला जी ने जितने पैसे थे उनके पास वो सब दे दिए और महादेवी जी ने लिखा कि अब मैं हतप्रभ बैठी हुई थी ये देख रही थी कि मैंने जो जितना सब लिखा हुआ था हिसाब किताब वो तो एक पल में सब हवा हो गया, बराबर हो गया। तो भाई निराला जी भी कुछ निराले तो थे ही, तो हम सब जानते हैं, लेकिन कितनी कितनी लोगों की बातें की जाए, इनका निरालापन अलग था, महादेवी जी का अलग ढंग का था। और ये चर्चा तो ऐसी है ना राजुल बिटिया के, होती रहे होती रहे। तो हम जो आगे बात करेंगे और जो विषय हैं वो मतलब अवसाद वाली बात जो हम कर रहे हैं उसकी जरूरत ही ना पड़े, लेकिन जीवन में कहते हैं ना कि मिठास के साथ खटास भी है, सब कुछ है। तो सबके साथ हमें आगे बढ़ना है, तो बातचीत के साथ हम गीत भी प्रस्तुत करते हैं, हमारे साथ ही जानते हैं बखूबी। बोले ये दिल का इशारा, आंखों ने मिल के पुकारा। जितना है प्यार तुमको उतना है प्यार हमको, प्यार अमर है हमारा। बोले ये दिल का इशारा, मैं हूँ गगन, दोनों के दिल में है प्यार भरा। तू है घटा, मैं हूँ गगन, दोनों के दिल में है प्यार भरा। बोले ये दिल का इशारा, आँखों ने मिलके पुकारा। जितना है प्यार तुमको उतना है प्यार हमको, प्यार अमर है हमारा। ये दिल का इशारा, बाग में एक फूल को हमने दिल दिया है। इस बहार को सबके सामने अपना कर लिया है। दिल में लगन तेरी सजन, चरणों में तेरे ये जीवन मेरा। दिल में लगन तेरी सजन, चरणों में तेरे ये जीवन। ये दिल का इशारा, आंखों ने मिल के पुकारा। जितना है प्यार तुमको उतना है प्यार हमको, प्यार अमर है हमारा। बोले ये दिल का इशारा, आंखों ने मिल के पुकारा। जितना है प्यार तुमको उतना है प्यार हमको, प्यार अमर है हमारा। प्यार अमर है हमारा।
प्यार तो अमर है लेकिन जीवन भी बहुत अनमोल है और अमर है। अमर तो नहीं हो सकता लेकिन उसे यादगार और अनमोल हम बना सकते हैं ना। बिल्कुल। और अगर जीवन से प्यार है तो जीवन में ही छोटे से जीवन में भी अमृत्व जैसा सुख आनंद प्राप्त किया जा सकता है अगर प्यार है तो। जीवन से प्यार लिखा कि जीवन से प्यार शायद ही कोई हो जिसे न हो, अन्यथा इस अनमोल अनमोल उपहार तो सभी अपने माता पिता ही नहीं अपितु परमात्मा कृति के रूप में परमात्मा के भी ऋणी रहते हैं। किंतु सत्यान्वेषी स्वभाव नहीं होने के कारण होने के परिणाम से प्रायः सभी प्राप्त जीवन के प्रति खिलवाड़ किया करते हैं, फलतः अपने पूरे आयु का भली भांति सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। एतदर्थ सर्वप्रथम जीवन के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता होती है, फिर जीवन को स्वस्थ और सुखमय रखने के प्रयास की आवश्यकता, ताकि अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुँचा जा सके। जो इस लक्ष्य को समझते हुए उसका ही अनुसरण करते हैं वे सफल हुआ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो लगता है बस जिंदगी यहीं समाप्त हो गई। हाँ, कई बार इतनी हताशा होने लगती है। इस बात पर देखिए हमारी एक साथी ने लिखा भी है कि जीवन से प्यार अनमोल उपहार बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं, पहले आत्मा तब परमात्मा। अगर ये सूत्र आपकी जिंदगी में लागू होता है तो बस तो बहुत बार आपको स्वार्थी भी कहा जाएगा। पहले जब हम अपना संवारेंगे तब तो हम दूसरे को भी संवार पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपना संवारने में जैसे बात हो रही है उन स्थितियों की जहाँ सवारने तो हम चलते हैं, हमारी इच्छा भी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब हमें लगता है कि इसको समाप्त कर दिया जाए और इसे नष्ट ही कर दिया जाए, क्योंकि जो अब सामने आ रहा है दुर्गम रास्ता कह लो या कोई भी लक्ष्य है, इसको अब हम नहीं पार कर सकते, इतना दुर्गम है कि अब इसमें चलना मुश्किल हो रहा है, है ना। तो भाई जीवन अनमोल होता है, कैसी भी परिस्थिति हो चाहे कोई भी रास्ता ना बचा हो, लेकिन जीने की इच्छा जो है वो अगर है तो विकट स्थिति में भी जीने का रास्ता खोज लेती है। हाँ, लोग वैसे कहने के लिए तो ये भी कहते हैं कि भाई जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और जीवन को समाप्त करना कायरता और बुजदिली का नाम है। और हर साल देखो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, और इसीलिए मनाया जाता है कि ये जो घटना है आत्महत्या जैसी जो बात है वो ना हो, क्योंकि ये दुनिया भर में हर साल काफी लोग करते हैं, है ना। हाँ, 70 लाख लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग जीवन से हाथ धोने की कोशिश करते हैं, अपना जीवन छोड़ने की कोशिश करते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक तो 15 से 19 साल के युवाओं के बीच मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह जो है ये आत्महत्या ही है। और लोग अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा के चलते अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल वजह भी हो सकती हैं, लेकिन ये हताशा और निराशा, और खासतौर से जिस आयु वर्ग की बात की है कि 15 से 19 साल जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज्यादा, जिनमें भावनाओं का उथल पुथल होना ये ज्यादा होता है, क्योंकि उनके में ललक रहती है बहुत कुछ करने की, और वो जो बहुत कुछ करने वाली ललक में कहीं भी कोई बाधा आती है तो वो जल्दी निराश भी हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके पंख जब बहुत परवान चढ़ना चाहते हैं, जिस समय आप बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो उतनी ही तेजी से गिर भी जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें धैर्य की जरूरत होती है, तो इसको महसूस करने की बात और ये समझना कि ये देन है ईश्वर की, इसे खत्म करने का हक हमें नहीं है, ये सब चीजें जो है वो समझाने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। शरीर और मन के भाव जो भी हों, जो भी उनके साथ प्राकृतिक रूप से हो रहा है उसको दबाने की कभी कई बार हम कोशिश करते हैं, बिल्कुल, तो भी ऐसा होता है कि निराशा होती है। हाँ। और जैसे मान लीजिए कभी कोई असफलता अगर आ भी गई है तो असफलता के बाद अगर हम थोड़ा सा रो लेंगे ना तो मन हल्का हो जाएगा, या किसी से बात कर लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, उसको हम अपने अंदर जो घोटते रहते हैं ना वो चीज बहुत भारी पड़ जाती है। ये तो भारी पड़ती है राजू बिटिया, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि हम अगर रो लिए और उसके बाद लगता है कि अब किसी ने नहीं सुना तो लगा और ये तो और भी हमने खराब कर लिया, कभी कभी ये जो है वो अलग ढंग से भी इसका परिणाम भी आ सकता है। बिल्कुल। तो ये हर स्थिति में, मतलब हमारा ये कहने का है कि रोना है नहीं रोना है या रोने के बाद क्या होगा, हो सकता है लोग आपको, मतलब हास्यास्पद स्थिति आ जाए, सामना आपको करना है। आप रोके करेंगे या रोने के बाद ज्यादा ग्लानी होगी तो आपको नहीं रोना है, यह आपको निर्धारित करना होगा। और अगर कोई भी स्थिति आती है तो किस तरह से खुद को संभालना है और उसके लिए कैसे आपको मजबूत बनना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। रास्ते बहुत सारे हैं। वैसे हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अवसाद मुक्त होने की क्रिया, अवसाद मतलब सुस्ती, उदासी, बेचैनी, सुस्ती उड़ानी हो तो सबसे
अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, सबसे पहले चाय पी लेनी चाहिए। चाय की चुस्की लेते हुए अपनी मनपसंद कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, टीवी पर फिल्म देख सकते हैं। सब कुछ नहीं करना हो तो रेडियो पर विविध भारती सुनते रहो और दोपहर 3 बजे सखी सहेली अवश्य सुनते रहिए। उससे आपको विशेष उपयोगी जानकारी और मन भावन गीत संगीत सुनकर दिल को चैन जरूर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। वाह वाह, क्या बात है, उन्होंने तो बाकायदा दवा बता दी। हाँ, हमारा कितना प्रचार प्रसार कर दिया। तो भाई ये तो है ही कि आप विविध भारती सुन सकते हैं, इसके अलावा हेल्पलाइन भी है, उससे भी आप मदद ले सकते हैं। वहां पर ऐसा कोई अनजान व्यक्ति से बात कर लेना कई बार अच्छा होता है। तो उस समय आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि ये मजाक उड़ाएगा या दोबारा हमें इससे नजरें मिलानी है तो हम कैसे मिलाएंगे, हमने अपनी ये मानसिक स्थिति इसको दिखा दी है, जता दी है, तो हम दोबारा इसके सामने सामना कैसे करेंगे। लेकिन सामना करना चाहिए, ये क्या सोचना कि हमने दिखा दिया, आंसू बह गया, आप कैसे सामना करें। अरे भाई, किसी को याद ही नहीं रहता है, कभी नहीं याद रहता है कि आपने क्या कहा था, आप कभी रोए भी थे, आप पूछिए तो कभी किसी से सही याद रहता है। एक बार ऐसे हुआ था, एक क्लास में सबसे पूछा गया आप अपनी अपनी कमजोरी बताइए, तो किसी ने बताया, सबने अपना अपना बताया कि हमको मतलब हम रोने लगते हैं, किसी ने बहुत बताया कि हम किस उम्र तक हम बिस्तर पर पेशाब कर देते थे। फिर दोबारा सबसे पूछा गया किसको किसका याद है, तो किसी को किसी का नहीं आता, सिर्फ कुछ सब अपने में बड़े शर्म में थे कि अरे हमने तो आज बता दिया, अब क्या होगा, पूरे वर्ष भर बच्चे हंसेंगे। लेकिन उनके शिक्षक ने यही बताने के लिए कहा कि किसी को नहीं याद रहता है, कि दूसरे ने उन्हें पूछा गया कि बगल वाले का बताइए या 5वें नंबर वाले का बताइए कि इन्होंने क्या बताया था, तो किसी को नहीं याद था, बताइए। तो हम कितने परेशान हो जाते हैं उन बातों को लेकर जिसकी कि किसी को परवाह ही नहीं है। सही बात है। और बुआ, एक बात ये भी है कि जो गुजर रहा है उस स्थिति से उसको तो खुद को संभालना ही संभालना है। इसके अलावा हम भी कभी कई बार अपनी संवेदनशीलता को थोड़ा सा जगा सकते हैं, थोड़ा सा उसको होता ना कि स्विच ऑन कर दिया, तो उसको ऑन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा है तो नहीं जो एकदम चुपचाप बैठा है। थोड़ा सा उसको संभाल लें, ऐसे हमारे साथी लिख भी रहे हैं कि डिप्रेशन का कारण पता लगाने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत जरूरी है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध हैं। मनोरोग चिकित्सक डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है, जैसे काउंसलिंग, व्यवहार परिवर्तन, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां और मिश्रित पद्धति। तो ये जो बात है, ये बात बिल्कुल सही है और इससे हमें अब शर्म नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत खुलकर सबके सामने आ चुकी है। बिल्कुल। और दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप चिकित्सक से मिले और इसके सब विशेषज्ञ होते हैं। अब फिर हम कहेंगे कि वो पढ़ाई करके आए, घास छील कर नहीं आए भाई। शरण में चलिए। बिल्कुल और जिंदगी से जब नाराजगी हो तो उस वक्त जरा अपने को याद दिलाएं कि जिंदगी ने आपको कितना सारा प्यार दिया है। बिल्कुल। I'm
जिंदगी से नाराजगी खत्म करते हुए हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि अवसाद को दूर करने का एक उपाय जो है वो संगीत भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, और है ही, ये तो सभी ने माना है। हमारे एक साथी ये भी कह रहे हैं कि कला, योग, किताब, अच्छे दोस्त, अच्छा पौष्टिक आहार, विविध भारती सुनना है। अच्छा बुआ, एक ब्रेक लेकर हम आते हैं और हम तब वो व्यवहारिक प्रैक्टिकली करेंगे कि रिलैक्सेशन की जो विधि है वो हम आपके साथ करेंगे। छोटा सा अंतराल पूरा हुआ और हम आ गए हैं सखी सहेली कार्यक्रम में, और हमने जो बात की थी ना अवसाद और निराशा की, उसके लिए बुआ आज एक क्रिया वो बहुत जरूरी है अवसाद दूर करने वाली। लेकिन उससे पहले चार पंक्ति बड़ी प्यारी सी है, जीवन के हैं रंग अपार, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। जीवन के हैं रंग अपार, कर लो इससे थोड़ा सा प्यार, डर डर के ना जियो यार, खुशियों से भर लो सारा संसार। क्या बात है। तो इन सब के बीच में जब भी ऐसा मौका आए, जब आपको लगे कि आप बहुत थक गए हैं, मन बहुत थक गया है, घबरा चुके हैं, तो बस बैठ जाइए आराम से, बहुत आरामदायक वस्त्र पहन लीजिए और कहीं भी सुखासन जिसको कहते हैं उसमें बैठ जाएं। और जो निर्देश हम दे रहे हैं वो आप स्वयं भी बोलकर इसको कर सकते हैं, मन में इसको गुनगुना कर कर सकते हैं, और एक हल्का सा संगीत लगा लीजिए और आराम से बैठ जाए, यानी कि पालथी मारकर बैठें या जिस भी आसन में आपको ठीक लगता है। नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ जाइए, बहुत कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, आँखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। महसूस करिए कि पूरा शरीर आपका तनाव मुक्त हो रहा है, यानी रिलैक्स हो रहा है। सांसों को सामान्य रख लीजिए, यानी कि अगर बहुत तेजी से आप सांस ले रहे हैं तो थोड़ा सा एक दो बार गहरी लेकर सांसों को सामान्य कर लें। उसके बाद हम जो रिलैक्सेशन है, तनाव मुक्त होने की जो ये प्रक्रिया है, पैरों से शुरू करेंगे। अपने पैर की उंगली और अंगूठे को बहुत हल्के से हिलाइए आप सब, और जो भी तनाव उसमें आपको महसूस हो रहा है उसे निकल जाने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पैर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। अब आप धीरे धीरे टखने को महसूस कीजिए, पैर की पिंडलियों और घुटने को भी महसूस कीजिए कि रिलैक्स हो रहे हैं, तनाव बाहर निकल रहा है। उसके बाद जांघ की जो मांसपेशियां हैं वो भी तनाव मुक्त हो रही हैं, ऐसा महसूस कीजिए। कूल्हे की हड्डी का जो हिस्सा है, बैठक का हिस्सा और कमर का हिस्सा, ये भी तनाव मुक्त हो रहा है, महसूस कीजिए। कमर का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स महसूस कीजिए कि पूरा पैर आपका आराम की स्थिति में आ चुका है, सारा तनाव पिघलकर बाहर निकल रहा है। यही भाव आप अपने पेट और छाती की ओर भी ले जाएं कि वहां की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं, आप एकदम आराम की स्थिति में हैं। सामने का हिस्सा रिलैक्स हो चुका है, कोई भी तनाव नहीं है। अब अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाइए,
महसूस कीजिए कि ऊपर से नीचे की ओर यानी गर्दन से लेकर टेलबोन तक सारा तनाव बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे तनाव बाहर निकल रहा है और आपकी पीठ आराम की स्थिति में आ रही है। पूरी पीठ रिलैक्स हो चुकी है। अब अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। जरूर इसमें तनाव है, इसे ढीला छोड़िए बिल्कुल। बाहों को ढीला छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि बाह का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, कलाई, हथेली, उंगलियां पूरों तक रिलैक्स हो रही हैं। दोनों बाहें आपकी आराम की स्थिति में आ चुकी हैं। अब गर्दन की ओर अपना ध्यान ले जाइए। वहां जो भी स्टिफनेस है, गर्दन में एक अकड़न होती है हमारे, आप ध्यान देंगे तब महसूस होगा। थोड़ा सा उसको हिलाइए गर्दन को और जो अकड़न है, जो भी तनाव है, उसे निकाल दीजिए। महसूस कीजिए कि गर्दन का पूरा हिस्सा आराम की स्थिति में आ चुका है। अब आप चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे। भौं, आंख, जबड़ा, नाक, होंठ और कान की मांसपेशियां सब रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा महसूस कीजिए। सिर का ऊपरी हिस्सा और मस्तक भी रिलैक्स हो रहा है। तनाव मुक्त हो चुका है और आपका पूरा शरीर आराम की स्थिति में आ चुका है। बहुत शांत स्थिति है। इस गहरी शांत अवस्था को महसूस कीजिए और अब अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं और अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। महसूस करें कि वहां प्रेम का वातावरण है, गहरी शांत अवस्था है और एक डिवाइन लाइट आपके हृदय को अंदर से प्रकाशित कर रही है। आप अपने अंदर डूब जाएं और गहराई में डूब जाएं। और दोस्तों, इस तरह से ये जो स्थिति है, इसमें और गहरे में डूबकर आप बहुत देर तक बैठे रहिए। जब भी आपको लगता है कि आप परेशान हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को आप कभी भी दोहरा सकते हैं। आपके शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स करना है और अपने हृदय में यानी अपने अंदर की ओर जाना है और महसूस करें कि आपका हृदय आपको खुद ब खुद अंदर खींच रहा है और आप उसमें डूबे जा रहे हैं। देखिए, परेशानी जहाँ से होती है वहीं पर जाते हैं, तभी वो समाप्त होती है। ये कुछ अपने अंदर की ओर की यात्रा है, इसे हमें तय करना होगा। फिलहाल वर्तमान में आकर हम गीत सुनते हैं। बुआ, गीत तो सुन लेंगे लेकिन सच में इतना आराम और इतनी शांति और इतना सुकून मिल रहा है कि बस अब लग रहा है कि सो जाए लेकिन गाना गाते हुए बिल्कुल। बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। देखो, ऐसा है कि ये मीठा मीठा गीत बस हमने कहा खत्म करो, क्योंकि कथा सुधा रह जाएगा तो बहुत डांट पड़ेगी। बस सुनते हैं कथा सुधा। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें,
कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना, दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई, तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। आखिर रामदुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च, मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी। ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी। एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती, लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमीक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा है कि बहूजी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया। क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। अब इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को, मगर आपको अकल आई ही कब थी? मैं अपना पर्दा ढांकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं। जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो, खामख्वाह मुझे जलील करते रहते हैं बस। दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारे दीदी का सख्त तकाजा है तो वक्त निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई। हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
जी जी। गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा, ये घर दीदी इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी है? रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि यह कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली, पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है। गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला, मुझे तो इस घर में ऐसे घर में हफ्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ सुन रहे हैं दीदी, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में, सुन रहे हैं आप दीदी? सुन रही। जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, मैं बहुत अदब करता हूं। आदमी था, मगर ये को मिला कि उसकी दौलत कहां से आती थी।
दुआ दीजिए। मेरे पास रुपए मेरी कितनी बाबा पूछता है से मिली वो भी देख ली जो है सो अपने फन में माहिर है काम इतना सा करते हैं पैसा लेते हैं है? अगर उनकी जायज है तो आमदनी भी है ना दीदी जायज है ना जी हाँ लोगों को लूट कर हो जाना हमारी सोसाइटी का पूरा मैं लूटूंगा मैं भी है शरारत भी करूंगा। उमा दारू सेवक क्या कर रहे हो? चाय पी लो ठंडी हो रही है। गुरु सेवक उठा पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा फिर संभल कर उठा झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी जो तरगीबे कई दिन से अच्छे अच्छे दिलावेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है। रामदुलारी पर उसे रहम आया जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया। जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शानो शौकत से आंकी जाती है जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं। उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा सुनो यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई मैंने तो उसे रुखसत कर दिया जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं। रूप कुमारी ने उसके तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देख कर जवाब दिया वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। जी नहीं आप क्लर्की किए जाइए इसी में आपकी खैरियत है। मगर क्लर्की में ऐश कहां क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त उठाऊं। लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही। मगर एक बात तो है। क्या? मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता। हाँ यकीन तो ना आता और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है। मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था
मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया। वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी। हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा। ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है। नहीं, वो तो अपनी कार पर थे। रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली, सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ, ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है, उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे। बुआ, कथा सुधा की ये कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन जरा घड़ी की तरफ देखिए, अब तो बस नमस्कार करने का समय ही बचता तो है। कर लेते हैं। तो आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार।